टायर पंचर हो गया यार। मेरी की गलती है टायर पंचर हो गया, मैं नहीं कर रहा यार। कितने बार तुसी मेरा मूड बिल्कुल खराब हो जाता है, तुहानू नहीं पता लगा। तो मैं की करा यार, पास करया करो, मैं जा रही हूं। तो दोस्तों मेरे साथ है हरप्रीत सिंह और आज का जो मुद्दा है, जो विषय है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही वाकई की समस्या है और बहुत ही गंभीर समस्या है। कारण क्या होता है कि हम लोग जब निकलते हैं रोड पे अपना टू व्हीलर लेके, वो चाहे बाइक हो या स्कूटर हो, जब हम निकलते हैं तो एक चीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत जो दिमाग में चलती रहती है, अगर आप लॉन्ग भी जा रहे हैं, शॉर्ट ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी, सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो होती है कहीं यार टायर पंचर ना हो जाए, कहीं मैं फंस ना जाऊँ। और टायर पंचर ये एक ऐसी चीज़ है, ये ना वीराना देखेगा, ना शहर देखेगा, ना मार्केट देखेगा, ना रोड देखेगा, ना खेत देखेगा, ना नहर देखेगा, कहीं पे भी कभी भी बस बूम हवा निकल गई, टायर पंचर। अब क्या करोगे भाई, कोई सॉल्यूशन है? बड़े बड़े कार्ड हो जाते हैं इस चक्कर में, जैसे कि अभी हमने आपको कुछ दो तीन वीडियोज भाई ने भी बहुत अच्छे इनके दिखाया उसमें। लेकिन ये जो भाई है हमारे हरप्रीत सिंह जी, ये आए हैं एक सॉल्यूशन के साथ, और वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन आपको इन सब चीजों से निजात दिला देगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं शुरू, और सबसे पहले मैं हरप्रीत सिंह को वेलकम बोलता हूँ। हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बढ़िया, थैंक यू। और बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने, थैंक यू सर, थैंक यू। और जो हरप्रीत की लोकेशन है वो लोकेशन बताओ सर। सर लोकेशन जो है हमारी ये बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर है, जैसे कि जो समराला चौक है लुधियाना के अंदर, समराला चौक है, समराला चौक से हम जब जीटी रोड के ऊपर आएंगे वहाँ पे एक्सिस बैंक आता है जी, ठीक है। एक्सिस बैंक के बिल्कुल ऑपोजिट हमारा ऑफिस है, वहाँ पे कोई आके हमें कॉल भी कर सकता है, हम अपना बंदा भी वहाँ पे भेजेंगे उसको पिकअप करने के। तो सरल शब्दों में चंडीगढ़ रोड पे जब हम जाते हैं समराला चौक की तरफ से, समराला चौक से चंडीगढ़ रोड की तरफ जाते हैं, तो लगभग 1.5 किलोमीटर बाद आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक की चंडीगढ़ रोड ब्रांच मिलेगी। तो उस ब्रांच के बिल्कुल ऑपोजिट है भाई का ये ऑफिस, जिसका कि हम अभी आपको ये शॉर्ट भी दिखा रहे हैं। तो चलिए वापस आते हैं ऑफिस के अंदर, और भाई से पूछते हैं कि आपके पास ऐसा कौन सा सलूशन है जो टायर पंचर की जो दिक्कतें आती हैं जी, जो कभी भी कहीं भी ये मतलब ये वो दाना है जो कभी भी कहीं भी प्रकट होता है। तो इससे बचने के लिए क्या सिस्टम है? तो मैं सर आपको सबसे पहले प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। सर ये हमारे दो प्रोडक्ट आते हैं जी, ये पिंक कलर का जो प्रोडक्ट होता है सर, ये ट्यूब टायर के लिए यूज होता है, और ये ब्लू कलर का सर जो प्रोडक्ट आता है, ये ट्यूबलेस टायर के लिए यूज होता है। तो ये फोरएवर टायर ट्यूब गार्ड है, ये हमारा ब्रांड है सर, फोरएवर टायर ट्यूब गार्ड के नाम से, और आईएसओ सर्टिफाइड है सर। ISO सर्टिफाइड है, ISO 9001 की यहाँ पे वो लगी हुई है मोहर। और ये जो है ये टायर ट्यूब, और ये जो है ट्यूबलेस, क्योंकि टायर तो दोनों, चाहे वो टायर वाला ट्यूब वाला हो चाहे ट्यूबलेस हो, पंचर होते ही होते हैं। तो इसकी जो खासियत है, ये कैसे वर्क करता है थोड़ा सा बताइए सर। इसमें एक चीज मैं और थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो हमारा काम है रेगुलर, जब हम डील करते हैं कस्टमर के साथ तो हमें एक बात सामने बार बार सुनने के लिए आती है, तो अभी आपके सामने मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक्चुअली लोगों के माइंड के अंदर सर क्या होता है कि लोग ये बोलते हैं कि मेरा ट्यूबलेस टायर है, ठीक है। देखो सर ट्यूबलेस टायर का एक्चुअली मतलब क्या है, ठीक है, कि जब हवा निकलने लगती है तो कई बार हमें टाइम मिल जाता है दुकान तक पहुंचने में, लेकिन सर वो पंचर फिर भी होता है ट्यूबलेस टायर, ठीक है। वही मैं कहने जा रहा था कि ट्यूबलेस टायर भी पंचर होता है, लेकिन ट्यूबलेस में क्या होता है, जैसे वो पंचर होता है तो उसमें से जो हवा है वो स्लोली निकलती है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमें टाइम मिल जाता है, 10-20 किलोमीटर हम ड्राइव कर सकते हैं और आराम से इजीली पहुंच सकते हैं, पर जबकि ट्यूब वाले में ये ऑप्शन नहीं होती है, वो इंस्टेंट आपकी हवा निकल जाएगी और आप वहीं पे आपको दिक्कत आ जाएगी। लेकिन सर ट्यूबलेस में एक सबसे बड़ा लूज पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि हर एक बंदे की रेगुलर लाइफ के अंदर होता है, लेकिन लोगों के माइंड में कई बार नहीं भी आता, लेकिन हमारा काम है हमें पता है तो इसलिए हम बता देते हैं। उसमें सर क्या होता है कि मान लो अभी टायर के अंदर नेल हिट हो गया, बंदा अपने घर पे जा रहा है रास्ते में, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा हवा धीरे धीरे निकलती है, लेकिन जब वो घर पे पहुंच गया, ठीक है, उसने अपना बाइक अंदर जो भी उसने लगा दिया, जब सुबह सर वो बाइक को उठाता है तो उसके अंदर बिल्कुल हवा ऐसे निकलती होती है कि बंदा दुकान तक भी नहीं जा सकता, और जब हम उसको खींच के लेके जाते हैं तो क्या होता है कि वो टायर, क्योंकि हवा उसके अंदर होती नहीं है, वो टायर बिल्कुल कट हो जाता है, उस वजह से टायर भी खराब हो जाता है। बहुत सारी ऐसी दिक्कत आप लोगों के साथ भी आई होगी, आपने इस चीज को नोटिस भी किया होगा, लेकिन सॉल्यूशन क्या है भाई इसका? सॉल्यूशन जो अभी हमने बताया भाई ने, वो ये है, ये फॉरएवर टायर ट्यूब गार्ड, ये जो है पिंक वाला ये ट्यूब टायर के लिए, और ये जो ब्लू वाला है ये ट्यूबलेस के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका एक डेमोंस्ट्रेशन दिखाना चाहूंगा, तो चले सर कुछ कील वगैरह टोके हम टायर लाइव हार्ड टेस्टिंग करेंगे, तो चलिए चलते हैं।
जा रहे हैं जी, तुम चेक कर सकते हो कि जो नील का साइज है कि वड्डा हुआ। हाँ जी, जो नील है टायर के अंदर पूरा जा चुका, तुम देख सकते हो। तुहाडे अकॉर्डिंग जे आपां इन्ना वड्डा टायर दे विच किल लग्गिया होवे, जे आपां किल नूं कढ दईए तां किन्नी देर दे विच जिहड़ी टायर दे विचों हवा निकल जांदी है? जदे निकल जांदी जी इंस्टेंट। ठीक है, हुण आपां चैक करांगे तुहाडे सामने। आ देखो जी, आ लिक्विड आ गया उपर जिन्हें कि सील करता टायर नूं। पानी लिआओ। आ देखो, तुसीं चैक कर सकते हो कि जिहड़ा पेंचर हैगा प्रोपर सील हो गया जी। ठीक है, हुण तुसीं बाइक दे उपर बैठो, तीन बंदे गेड़ा कट के आओ। असीं चैक कर सकते हैं जी, जिहड़े साढ़े अपना शोरूम दे लड़के हैगे आ गेड़ा कट्टण लई जा रहे आ। आपां आ के हवा दा प्रैशर चैक करांगे जी। तुसीं चैक कर सकते हो जी, जिहड़ा कि गेड़ा लैके आ गए आ। ठीक है, टायर दा एयर प्रैशर जिहड़ा हैगा बिल्कुल सेम हैगा वा। ठीक है जी, कटिया तो नहीं है एयर प्रैशर, तुम चैक कर सकते हो मशीन से लागे भी, वैसे इतने ही पता लग जाता बिल्कुल ओके है। चको कितनी बड़ी सी आवाज़? हाँ, एक अद्धा पाउंड घट होगी। एक पाउंड घट जाएगा। हाँ जी, तुम देख सकते हो जी पूरी है जी। ठीक है जी, पूरी चली है। ठीक है जी, ओके। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो जैसे कि अभी हरप्रीत ने आपको दिखाया, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था ये, जिसमें हमने स्कूटर के टायर में कील को ठोका, उसको पंचर किया और उसके बाद दोबारा से उसमें हमने हवा डाली और वो पंचर बंद हो गया। तो ये एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक लाइफ सेविंग चीज़ है। लाइफ सेविंग क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको, स्पोर्ट कीजिए, आपको कहीं इमरजेंसी में निकलना पड़ा रात के 11 या 12 बजे, ये वो वक्त है जब ऑलमोस्ट सभी शॉप, पंचर शॉप, हवा वाली शॉप, सब कुछ बंद होता है और आप स्कूटर लेके निकलते हैं, बाइक लेके निकलते हैं और कार लेके निकलते हैं, तो रास्ते में ये पंचर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि तब ये जो है ये लाइफ सेवर बन के काम, आपको पता भी नहीं चलेगा कब उस पंचर को इसने बंद कर दिया और आप अपने जगह पे पहुंच गए, आप अपने गंतव्य पे पहुंच गए, आप अपनी डेस्टिनेशन मंदिर पे पहुंच गए और वापस भी आ गए। तो ये उस वक्त बंदे के दिमाग में थी। चलिए पूछते हैं इसका प्राइस भाई से, बताओ सर। जी सर, तो सर प्राइस की अगर हम बात करें, ठीक है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अभी हमारे पूरे इंडिया के अंदर सर हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क जो है अभी चल रहा है। okay. बहुत हमारे डीलर्स हैं, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, राजस्थान, जम्मू, हिमाचल, कई जगह अभी हमने नए स्टार्ट किए हैं। अभी पिछले हफ्ते में हमने मथुरा, वृंदावन, उड़ीसा, तो सारी जगह हमारा मटेरियल जा रहा है। ठीक है, और इसमें सर देखिए, रेट मैं बिल्कुल क्लोज नहीं कर सकता वीडियो में, क्योंकि देखो जो डीलर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको कल को सील भी करना है। ठीक है, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि हम कस्टमर को मना करेंगे, क्योंकि अगर कोई बंदा एक बार यूज करके देखना चाहता है, ठीक है, उसमें रेट अलग होगा सर। वो डिपेंड करता है कि कोई बंदा कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस में, लेकिन एक मिनिमम अगर मैं बोलूं तो आप ये लगा लीजिए सर 600 रुपए से लेके 1500 रुपए तक का जो इसका रेट हम बोल सकते हैं। ठीक है, कस्टमर तक पहुंचने में। ठीक है, और इसकी जो एमआरपी है सर वो 1500 रुपए है। आप कितने का सेल करते हो, आप ये ऑनलाइन सेल करते हो? सर देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है आज की डेट में जितने भी ब्रांड हैं, हीरो, होंडा, टीवीएस, बजाज, आप किसी भी शोरूम के अंदर चले जाइए जहाँ पे हमारे डीलर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा है। हम नई गाड़ी में इसको डाल के साथ वो शोरूम वाले सेल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सर अगर ऐसे ब्रांड हमारे साथ जुड़ के अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ दम होगा सर प्रोडक्ट के अंदर तभी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर आपको कुछ लोकल प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे जिसके रेट बहुत ज्यादा डाउन है। ठीक है, मैं खुद कहता हूँ, लेकिन सर देखो हर एक चीज में क्वालिटी होती है, वो कब पता चलती है, जब बंदा उसको यूज करता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है सर ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। ठीक है, और आईएसओ सर्टिफाइड है। ठीक है, तो हर एक बंदा समझ सकता है कि आईएसओ सर्टिफाइड अगर प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसके बाद सर देखो अगर यूज करेगा तो तभी उसका बंदे का पता चलेगा। इसलिए हमने कोई भी बाउंडेशन नहीं रखी है, हम ये नहीं कहते कि आप 2 लाख का लो, 5 लाख का लो, नहीं, हम कहते हैं आप हमारे साथ जुड़ो, मिनिमम आप 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, जो आपको सही लगता है आप एक बार शुरू करो हमारे साथ, हमारे प्रोडक्ट को देखो, उसका रिजल्ट देखो, उसके बाद आगे वर्किंग करो।
10,000 की मिनिमम अमाउंट के साथ ये काम शुरू किया जा सकता है और बहुत ही अच्छे जो भाई ने 1500 से 600 के बीच का गैप बताया वो आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक कॉस्टिंग जाती है और मार्जिन लेवल्स कितने हाई हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस काम को करना चाहते हैं इसका एक ब्रांड इस ब्रांड के साथ जुड़ना और अपने एरिए में, क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया हम ओपन कर चुके हैं इसको और कहीं पे भी आप इसकी डीलरशिप ले सकते हैं। और जैसा कि भाई ने बताया कि 10,000 रुपए के साथ ही आप मिनिमम इस काम को शुरू कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप ये काम पहले शुरू करते हैं तो हम उस डिस्ट्रिक्ट में किसी और को ये हम एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही डीलर अपॉइंट करेंगे जी। तो ऐसा ना हो कि कहीं आपसे पहले आपके ही जिले का कोई बंदा और बाजी मार जाए और आप प्रॉपर तरीके से इस काम को आप करते हैं। वो मार्केटिंग की सारी टेक्निक वो हर चीज वो आपको पूरी कंपनी की सपोर्ट इसमें सर हम साथ में अपना वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर देंगे जी। अगर कोई एक दो बोतल लेकर अगर यूज भी करना चाहता है, मैं डायरेक्ट कस्टमर के लिए भी कह रहा हूँ और इसमें अभी चलो आप आए हो तो मैं एक साथ में ऑफर रोक देता हूँ। अभी हम इसमें एक सरप्राइज गिफ्ट भी देंगे जो कि डायरेक्ट हम कस्टमर को देंगे, लेकिन वो अभी हम बताएंगे नहीं, जब कस्टमर हमारे साथ टच में आएगा तो उसको क्या बात है। तो इनकी वेबसाइट का लिंक जो है, अगर आप एक बोतल या दो बोतल खरीदना चाहते हैं अपने स्कूटर के लिए, अपने मोटरसाइकिल के लिए, अपनी कार के लिए, तो वो ऑनलाइन डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है और साथ में मिलेगा आपको एक सरप्राइज गिफ्ट। तो दोस्तों, ये एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेस करने की, एक मतलब अपने पैरों पर खुद खड़े होने की, तो हेजिटेट मत कीजिएगा। भाई का नंबर स्क्रीन पे पूरा वक्त था, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ये आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में प्रॉपर तरीके से बताएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल, बाय बाय।